हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950-6900-21। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पल पल की अपडेट हम लोग कोरोना से संबंधित आपको देते आ रहे हैं और शहर में क्या इंडस्ट्रियां खुलेंगी इसके बारे में शाम को पूरा आपको बताया जाएगा, जो गाइडलाइंस इंडस्ट्री के लिए आ रही हैं। लेकिन फिलहाल हमने बाजार के दृश्य दिखाए, DSP स्थित वर्ष से भी आपकी बातचीत करवाई कि जो किराना की और दूध की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं, ये हर रोज 8 से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लेकिन एक कन्फ्यूजन और आ रहा था कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण आ रहा है उसमें शराब के ठेके खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, इसी को लेकर हम अधिकारी हैं वहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ DTC पुनीत जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, शराब के ठेकों के बारे में क्या गाइडलाइंस अभी तक आपके पास आई है? मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है शराब के ठेके खुल जाएंगे और उसके लिए अभी आज हमारी मीटिंग चल रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा सोशल डिस्टेंसिंग का है। सरकार नहीं चाहती कि शराब के ठेके खोलने के कारण जो है कोविड और ज़्यादा फैले, तो हम कल सुबह से अभी ठेकेदारों से मेरी मीटिंग है 1.5 घंटे बाद, जिसमें यह स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी जाएगी कि किसी भी ठेके में 5 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर खड़े होंगे, हर ठेके में सैनिटाइज़र होगा, बिना मास्क के किसी को शराब नहीं दी जाएगी। और ये भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाएगी कि अगर आप कहीं पर वायलेट करते हैं तो हम साथ के साथ शराब के ठेके बंद करवा देंगे। सर, क्योंकि दिल्ली में खोले गए थे, दिल्ली के हालात देख लिए सभी ने, एकदम टूट के पड़ गई थी दुनिया वहाँ पर, उसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे क्या? कैसे? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से ही अभी मेरी जो है SDM साहब से बात हुई है। करीब 2:30 बजे SDM, DSP और हम सब लोग मिलकर कल की रणनीति बनाएंगे और ठेकेदारों के साथ मीटिंग करके उनको पूरी गाइडलाइन दे देंगे कि ये गाइडलाइंस हैं और आपने कोई भी किस तरीके की वायलेशन नहीं करनी, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी। तो सर, आपके लिए कोई रेट बढ़ाने जा रही सरकार? अभी कुछ ये डिमांड थी, ऐसा शक था कि बढ़ेगी और कुछ और शर्तें ठेकेदारों और सरकारों के बीच में चल रही थी, कुछ निगोशिएशन थी जो अभी कुछ फाइनल नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक हमें कंप्लीट गाइडलाइंस आ जाएंगी, उसके बाद ही हम इस बारे में बता पाएंगे। तो क्योंकि 1 अप्रैल से नए ठेके शुरू होते हैं, तो ये पुराने ठेकेदारों को दिया जा रहा है या कुछ नया? इसमें क्या था, हमने 46 जोन नए बनाए थे पिछली बार, हमें फ़र्क है, पिछली बार 14 जोन थे, इस बार 46 जोन थे, 46 में से 29 बिके हैं, 17 नहीं बिके। जो 29 जोन बिके हैं वो नए ठेकेदार हैं, पुराना कोई नहीं है, नए ठेकेदार जो हैं वो खोल रहे हैं। और आज ही एक आपको बता दें कि जो एक प्रक्रिया होती है होलसेल की, उसे L1 लाइसेंस कहते हैं, वो भी आज पूरी हो जाएगी और जो भी ठेकेदार हैं वो उससे वहाँ से शराब लेकर और आगे बेचेंगे। तो ये 29 जोन नए ठेकेदारों के, पुराने से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 17 जो आप बता रहे हैं बकाया, ये अपना अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए? ये अभी उसके लिए एक डेट आती है, सरकार की प्रक्रिया होती है कि अखबार में डेट निकाली जाती है जिले वाइज कि इन जिलों में ये चीज़ है, उसकी खुली ऑक्शन होती है ऑनलाइन, तो वो हमारे ऑफिस से और चंडीगढ़ तक जुड़ी होती है, तो वो जिस दिन भी आएगी वो आपको मीडिया के माध्यम आप लोग बताई देंगे जनता को, उस दिन ये लोग आके अपनी बीडिंग ओपन बीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, कुछ ऐसा भी होगा कि क्योंकि 29 ठेके जो खुलने जा रहे हैं, तो इनमें को जो 29 ठेकेदार हैं को परमिशन आपसे लेंगे ये, और दूसरा रेट के लेकर ये मनमानी के रेट करेंगे कुछ, इस बारे में आप गाइडलाइंस देंगे उनको कि उसी रेट में जाएगी? रेट को लेकर अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली राजस्थान में और दिल्ली में कुछ चेंजेस करी हैं, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जैसे दिल्ली में सीधा 70% रेट सरकार ने बढ़ा दिया है ताकि ठेकेदार पे कोई बात ना है, पीछे से एक्साइज ड्यूटी बढ़ के आए, ऐसी रिक्वेस्ट ठेकेदारों की सरकार से चल रही है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया है, ये मुझे लगता है उम्मीद है शाम तक इस बारे में कोई कंसेंसस आ जाएगा, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये आज कल सुबह से ठेके खुलने जा रहे हो, टाइमिंग क्या है अभी तक? मोस्ट प्रॉबली 99% चांस है कि 8 बजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि थोड़ा अर्ली खोल लें ताकि जनता का रिएक्शन या भगदड़ या कुछ होती तो हमें टाइमली पता चल जाए और पुलिस प्रशासन और एक्साइज मिलकर उसको पहले ही हैंडल कर सके। तो 99% चांस है सुबह 8 बजे खोलेंगे। तो वहाँ वो गोल चक्कर लगाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंस गाइडेंस दे दी है सभी ठेकेदारों को कि 5 गोल चक्कर लगाएं, 5 लोग गैप देके खड़े और 5 से ऊपर नहीं खड़े होंगे, वो 5 गोले हर ठेके पे लगा दिए जाएंगे रात तक, चाहे कैसे भी हो, जो नहीं लगाएगा उसको हम खुलने नहीं देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी पहली प्रायोरिटी है, शराब की बिक्री सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें कोविड को फैलने से रोकना है, शराब सेकंड चीज़ है, रेवेन्यू सेकंड है, लोगों की ज़िंदगी पहले है। तो आज रात से आपसे गोदाम से माल निकलना शुरू हो जाएगा? हाँ, आज रात को जहाँ जहाँ है वो हो जाएगा, हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी और उसका टैक्स बना के इनको दे दिया जाएगा कि आपने ये हमें टैक्स पे करना है, वो टैक्स जमा हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा जुड़ता आपको पुलिस प्रशासन की सहयोग रहेगा, पुलिस प्रशासन की है, सेक्शन 188 लगा हुआ है, इसमें पुलिस के पास पूरी पावर है, तो पुलिस की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जो आंध्र और दिल्ली में देखा है कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें भी भ्रम है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ रिपीट ना हो जाए, हो भी सकती है इतने गैप के बाद शराब के ठेके खुल रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है, तो उसकी पुलिस प्रशासन की जरूरत सबसे पहले है। और अभी जैसा कि मैंने बताया SDM साहब और DSP साहब और मैं मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद ठेकेदारों को कन्वे कर दिया जाएगा, तो उम्मीद है हमें कि हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। सुनील जी, क्योंकि अभी जब शराब बंद थी लॉकडाउन के दौरान, तो जाहिर तौर पर लोगों ने शराब पी, चाहे महंगी शराब पी, जो ठेकेदार गरीब हो रहे थे वो एकदम अमीर हो गए, जो 3 करोड़ का मालिक था वो 10 करोड़ का हो गया। अभी इस दौरान जब खुलने जा रहे हैं तो नकली और असली शराब की पहचान के लिए कोई टीम आपकी तरफ से गठित की जाएगी? अभी फिलहाल तो कल तो मेन इशू होगा खोलना, उसके बाद क्या है कि जो भी शराब जाएगी वो L1 से जाएगी, L1 में नकली शराब की संभावना नहीं होती, क्योंकि वहाँ के ठेके पहले ही डिस्टिलरी से आती है, फिक्स होकर आती है और सील रहती है। ये जो नकली शराब या नंबर 2 की शराब उस दौरान चली है ये दूसरे प्रदेशों से आती है और हरियाणा में या गुजरात में या राजस्थान में या कहीं भी बिक्री होकर वो चली जाती है। जब तक शराब बंद रहती है नंबर 2 की शराब का एक क्रेज़ इंटरेस्ट रहता है, जब नंबर 1 की शराब आ जाती है उसका क्रेज़ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि उसमें मिनिमम से मिनिमम 6 महीने की सज़ा है, ज़्यादा तो 3 साल से ऊपर जा सकती है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ठेके खुलते ही वो संभावना खत्म हो जाएगी, नंबर 2 नकली हूच वो संभावनाएं सारी खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आपकी मीटिंग हुई ठेकेदारों के साथ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, आपके उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? उनको सबसे बड़ा डर जो है वो एक ही बात का है कि अगर कोविड बनता है और DC मैडम DC साहब जो भी जिस जिले के हैं वो एब्रप्टली बंद कर देते हैं ठेका, तो उनका क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो लाइसेंस फी की पर डे की मीटर जो टिक 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 कर रहा है, उनको ये टेंशन है कि हमारा क्या होगा। ये ऐसा मुद्दा जो अभी भी लंबित है, जिस पर भी सरकार ने क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी, लेकिन दे दी जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली के जितने दिन बंद होंगे उतने दिन का कोटा और उतने दिन का लाइसेंस फी जो है कम कर दी जाएगी। तो ठेके में कोई सैनिटाइजर कुछ ऐसा वो भी रखा हमने सिक कह दिया है और आज शाम तक सभी ठेकों पर वो सैनिटाइजर और मास्क पहुँच जाएंगे, और फिर मैं मेरी ये टीम, मेरी पुलिस वाले, हम सब लोग खुद विजिट करेंगे एक एक ठेके पे, ताकि ये चीज़ सुचारू रूप से चल जाए, क्योंकि हमें उम्मीद है अगर 2-3 दिन हम सुचारू चला पाए फिर ये चल जाएगा, पहले 2-3 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशल है, हमारे लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है 2-3 दिन अगर हम समझा के पब्लिक को और मैनेज कर गए तो फिर ये सुचारू रूप से चल जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो कोविड ना फैले और दूसरा जो शराब है ना, शराब अगर नकली या गलत आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी पे खतरा हो सकता है। हमारे लिए ये है कि अगर लोगों ने पी नहीं है तो वो साफ़ पिए, ठीक पिए, और सरकार को भी जो राजस्व आ जाए, किसी की मौत ना हो। इस समय से मुद्दा जो ज़िंदगी का है, चाहे कोविड से हो नकली शराब से हो, मौत नहीं होनी चाहिए, इस फीलिंग से हम चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 दिन में हम ऐसा सुचारू कर देंगे कि फिर हमारी या पुलिस का इतना रोल नहीं रहेगा, कंप्लेंट पर ही जाएंगे, सिस्टम चल पड़ेगा, ये हमारी कोशिश है। तो रूरल और अर्बन में कितने ठेके हैं आपके पास, कितने ठेके हैं और उनका भी सेम समय रखा गया है? सेम समय रखा गया है, 29 जोन है, 22 अर्बन है, 7 रूरल है, और सेम तमीर रखा गया है 8 बजे से शाम को, अंदाजन शायद ये 6:45 तक चलेगा, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करेगा, एक ट्रायल एंड एरर मेथड है कि अगर गड़बड़ होती है तो 7 बजे रोक दिया जाएगा, भाई ये गलत हो रहा है बंद करो। हम उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं कि पहले 3-4 दिन उनको भी पता चल जाए, हमें पता चल जाए, फिर चीज़ गाड़ी चल पड़ेगी, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। हाईवे पे भी ठोके खुल, जैसे रूटीन पे भी है, हाईवे पे भी है हमारे, वो भी खुलेंगे, और हाईवे पे तो फिर भी मैनेज करना आसान है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ा मुश्किल होता है कि कब पहुंचेंगे हम, कब पहुंचेंगे वहाँ पे, गांव का माल होता है। अर्बन में तो ये ऑफिस है, ये खड़े हैं, 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, भैया तुम गलत करो या ऐसे करो। तो मेरे जो अर्बन हाईवे पे उनकी मुझे कंसर्न नहीं है, लेकिन संभाल का और जो ग्रामीण इलाका है उसको कवर करना थोड़ा हमारे लिए डिस्टेंस हो जाता है पहुंचना, लेकिन नज़र हम उन पर भी रखेंगे और टीम तैयार रहेगी। तो आई एम होपफुल कल सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा होने के साथ जो आते हैं वो खोले जा रहे हैं, नहीं खोले जाएंगे किसी भी हाल में, आते नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है पब्लिक इस समय साथ नहीं बिठाना, हमने अहाते बार पब कुछ नहीं खोला जाएगा, वो स्ट्रिक्ट माना है। जब तक कोविड काबू नहीं आता, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार हिंदुस्तान की किसी प्रदेश की इसको खोलेगी, नहीं खोलेगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि अहम जानकारी DT साहब बता रहे थे, कल से ठेके खुलने जा रहे हैं, ठेके खुलेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ, जैसा कि ये बता रहे हैं, ठेकेदारों की मीटिंग कर ली गई है और उनको आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, आज रात से माल निकलना शुरू हो जाएगा, कल सुबह से 8 बजे से शराब बिकना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि जैसा दिल्ली में हालात देखने को मिले, अगर जो ऐसे हालात पानीपत में भी देखने को मिले तो शायद वो ठेके जो है बंद हो सकते हैं और शराब भी जो है और भी महंगी हो सकती है। अभी शराब महंगी करने का भी कोई आदेश ऐसा नहीं आया जैसा कि पुनीत जी बता रहे थे, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक जानकारी पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आयुष गुप्ता के साथ कुलवंत सिंह।
डीपी शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।